जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि 14 अप्रैल 2020 को नहीं हुआ सूर्यास्त, यह बात उस समय सटीक बैठती है जब 14 अप्रैल 2020 दिन मंगलवार को सायं 8 बजे गांव की हर गली दीपक और मोमबत्तियों की रोशनी में जगमग हो गई और एक बार ऐसा लगने लगा जैसे सूर्य अस्त हुआ ही नहीं। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखते रहिए। चैनल में आपका स्वागत। हाँ, मैंने सुना है कि आपने अभी तक बौद्ध ग्रीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और ये सच है तो शीघ्र ही शीघ्र बौद्ध ग्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जय भीम। 14 अप्रैल 2020 को भारत रत्न बाबा साहब के 129वें जन्मदिन पर हर जगह की तरह ग्राम मधुपुर भी अंबेडकर जयंती मनाने के ये पीछे नहीं रहा। यहाँ भी सुबह 7 बजे से ही अंबेडकर पार्क में माननीय विकास बोर्ड जिलाध्यक्ष भीमसेना ने अपनी भीमसेना कमेटी के कार्यकर्ताओं नीरज, सत्येंद्र, नितेश, चिंटू, सुधीर इत्यादि को साथ में लेकर पार्क में सफाई कराई। संजीव बौद्ध और प्रशांत बौद्ध के द्वारा अंबेडकर की प्रतिमा पर रंग रोगन कराया गया। सुबह 10 बजे तक बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण शुरू हो गया। सफाई माल्यार्पण के समय लॉकडाउन के सभी नियमों का पालन सख्ती से किया गया। माल्यार्पण के समय सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आने व जाने के लिए चूने द्वारा रास्ते का रेखांकन किया गया। साथ ही 1 मीटर की दूरी पर गोल घेरे भी बनाए गए। पार्क के बाहरी दरवाजे पर विकास बोर्ड के द्वारा माल्यार्पण के लिए आने वाले लोगों के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इस वर्ष जन्मदिन को मनाने में महिलाओं में खासा जोश दिखाई दिया। उन्होंने रात्रि 8 बजे तक घरों की साफ सफाई करके सभी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। साथ ही सभी महिलाओं ने घर पर ही बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनके चरणों में ज्ञान व शांति के प्रतीक मोमबत्ती को जलाकर बाबा साहब द्वारा की गई 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया। कुछ बच्चों ने रात्रि 8 बजे गांव की हर गली में मोमबत्तियां और दीपक
जलाकर गलियों को जगमग कर दिया। किसी किसी ने अपनी छतों पर आतिशबाजी जला करके अपनी खुशियों का इजहार किया। गलियों में दीपक इतनी अधिक मात्रा में जल रहे थे कि रात में ऐसा लग रहा था कि अभी शोर निकल रहा है। वहीं विकास बौद्ध ने 130वें जन्मदिन को इससे भी अधिक और जोर शोर से मनाने का आह्वान किया। बोले, इस वर्ष केवल सूर्य निकल रहा है, अगले वर्ष रात को दिन में बदल देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए बौद्ध भीम चैनल। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।